हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि अपने खान पान के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। चंबा का राजमा का मदरा हो या फिर मंडी की सेपू बड़ी या फिर शिमला के सिड्डू, हर कोई इनका दीवाना है। खाने के शौकीन लोगों के लिए हिमाचल किसी जन्नत से कम नहीं। हिमाचल का हर जिला अपने अलग अलग खान पान के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सिरमौर जिले का पावंटा साहिब शहर भी यहाँ की एक दुकान की वजह से काफी मशहूर है। पावंटा साहिब शहर में पहवा स्वीट शॉप न सिर्फ यहाँ के लोगों बल्कि प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों तक भी अपनी पहचान रखती है। पहवा स्वीट शॉप की खासियत है यहाँ बनने वाले समोसे। इस दुकान में 22 प्रकार के समोसे तैयार किए जाते हैं। इस दुकान में बने समोसे इतने मशहूर हैं कि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तक में समोसों की सप्लाई की जाती है। यहाँ तक विदेशों से भी लोग इन समोसों का स्वाद चखने के लिए पहुँचते हैं। जो ग्राहक लेके जाते हैं, कस्टमर लेके जाता है, वो सोलन, चंडीगढ़, यमुनानगर, करनाल, इस सारी जगह पे कच्चे समोसे ले जाते हैं, जाके वो फ्राई कर लेते हैं। कहीं फ्राई करके ले जाते हैं, कोई बगैर फ्राई करे ले जाते हैं। और बाकी कस्टमर जोन से हैं, 400-500 डेली का कस्टमर जोन सा हमारे पास समोसों को इस्तेमाल करता है। जितने टोटल बैंक वगैरह सब के पास हमारा समोसा। वैसे तो आपने, हम सब ने दो या फिर चार प्रकार के समोसों के बारे में सुना होगा या फिर उनको खाया होगा, लेकिन सोचिए कि 22 प्रकार के समोसे आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे। बड़ी बात यह है कि जो एक बार इस दुकान के समोसे खा लेता है वो इसके स्वाद का इतना दीवाना हो जाता है कि बार बार यहाँ आना चाहता है। यहाँ मिलने वाले समोसों में आलू समोसा, पनीर समोसा, पिज्जा समोसा, पास्ता समोसा, नूडल समोसा, मंचूरियन समोसा, चॉकलेट फ्रूट नट समोसा, रबड़ी समोसा, मैंगो समोसा, स्ट्रॉबेरी समोसा, चाइनीज समोसा, मटर समोसा, मशरूम समोसा, मटर पनीर समोसा, मटर जमीकंद समोसा, मैक्रोनी समोसा, मैगी समोसा, चिली पनीर समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा शामिल हैं। इन समोसों की कीमत 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक है। पिछले 45 वर्षों से पावंटा साहिब शहर में पहवा स्वीट शॉप पर कई तरह की मिठाइयां बनती हैं, लेकिन अब इस दुकान की पहचान समोसे वाली दुकान से होती है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में ग्राहक इन समोसों को खरीदते हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से भी आए हुए होते हैं। दुकान को शुरू करने वाले अमनप्रीत सिंह पहवा कहते हैं कि उन्होंने इस दुकान को 1972 में एक बहुत ही छोटे रूप में शुरू किया था। पहले एक ही तरह का समोसा बनाया जाता था, फिर दो, और आज 22 प्रकार के समोसे तैयार किए जाते हैं। 72 में हमने काम शुरू करा था जी। थोड़े से काम में ही हमने उसे शुरू करा है। उसके बाद में ये बढ़ता चला गया, लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा उसका दिया है। अब इस टाइम हमारे पास 22 तरह के समोसे हैं। इस तरह के समोसे हैं कि जो पूरे हिमाचल के अंदर कहीं मिल नहीं सकते, और वो हिमाचल के अंदर खाने वाले एक बार खाने के बाद में दोबारा उसे खाना ही पड़ेगा। इस दुकान में अभी तक केवल 22 प्रकार के समोसे बनाए जाते हैं और आने वाले समय में ये संख्या 50 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी दुकान को लगभग 45 ईयर्स हो गए हैं। इट्स बीन सिंस 1975। पावा स्वीट शॉप दुकान का नाम है और हम इस टाइम 22 वैरायटीज रखी हुई हैं हमने समोसास की, और ऐड ऑन करते करते हमारा टारगेट है अप टू अ हाफ सेंचुरी, 50 समोसास की हमारी है थिंकिंग, वो हम रखेंगे आने वाले टाइम में। इस दुकान में पिछले 20 सालों से काम करने वाले कारीगर राजेश कुमार ने बताया कि इस दुकान पर अधिकतर समोसे ही बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं 20 सालों से काम कर रहा हूं और मैं यहाँ समोसे का काम करता हूं, मिठाई का भी काम करता हूं मैं। यहाँ पर समोसे बनते कितने प्रकार के बनते, कैसे बनाते हैं? समोसे है पनीर के, पिज्जे के और आलू के, पनीर के और नूडल्स के और मंचूरियन के भी है और चाइनीज का भी है। दुकान के मालिक कुलवंत सिंह पहावा बताते हैं कि अब उनके दिमाग में एक स्पेशल समोसे का नाम चल रहा है और वो है आइसक्रीम समोसा। गर्मी के सीजन तक ये समोसा ग्राहकों तक पहुंचे, इस पर काम किया जा रहा है। अभी हमारा एक माइंड में चल रहा है जो हमारा काफी, हम उसके ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं, वो हमारा स्पेशल समोसा होगा। उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि उसे बनाने में थोड़ा
एक अनुभव और वो भी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल समोसा है जिसका नाम है आइसक्रीम समोसा, वो हम थोड़े टाइम में उपलब्ध करवा देंगे। रोज़ाना यहाँ पे लगभग 500 लोग आए जाते हैं समोसे के, उसमें 500 से कस्टमर हैं हमारे। फिलहाल पावंटा शहर में स्थित इस दुकान की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। क्या सिरमौर और क्या हिमाचल, यहाँ पड़ोसी राज्यों के लिए भी समोसों की सप्लाई होती है। लोग यहाँ आकर भी अलग अलग तरह के समोसों का लुत्फ उठाते हैं। पावंटा साहिब से रॉबिन शर्मा, ईटीवी भारत।